सुनो, स्टप में ये हमने ऐसे चादर डाली है और इसमें पानी भरा है, इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है? ये फ्राइडे की बात है कि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, इस जो इस हफ्ते की पूरी प्रार्थना थी, तो शुक्रवार के दिन की ये बात है। जब मैं यहाँ पे आकर बैठकर प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना में मेरा मन बहुत ऐसे परमेश्वर से लग गया। क्या लग गया? तो एकदम से जब ऐसे मन मेरा लगा, तो परमेश्वर मुझे ऐसे विजन देने लगा, दर्शन देने लगा इस टप का। और ऐसे ये एक टप है, और ऐसे जैसे इसमें जितना पानी भरा है, ऐसे पानी भरा, और मैं उस दर्शन को, उस विजन को देख रहा हूं प्रार्थना में। तो मैंने कहा, परमेश्वर ये क्या है? मैं ऐसे मन से ऐसे बात कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे बता, ये जो तू दिखा रहा है इस टप में चादर ओढ़ी है, इसमें ऐसे पानी है, जैसे जितना नजर आ रहा ना, इतना ही पानी मैंने विजन में, दर्शन में देखा। तो मैं परमेश्वर से बात कर रहा, ये परमेश्वर बता ये क्या है? तो परमेश्वर ने मुझे कहा, ये दर्शन जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, ये जो टप में तुम चादर देख रहे हो, पानी देख रहे हो, ये इसलिए कि जो प्रार्थना तू यहां पे बैठकर कर रहा है, जो लोग तेरे साथ यहां पे बैठ के कर रहे हैं प्रार्थना, क्या कर रहे हैं, मैं उन्हें इस प्रार्थना से बहुत शुद्ध, साफ, पवित्र करूंगा, अंधेरा उनके जीवन से दूर करूंगा। क्या करूंगा? मैं अंधेरा दूर करूंगा, क्योंकि अंधेरा किसकी ओर से है। तो इस दर्शन का यह मतलब है, जो परमेश्वर ने, जब मैंने पूछा, परमेश्वर मुझे बता ये क्या है, तो उसने ये मुझे कहा कि ये इसका मतलब ये है कि जो लोग प्रार्थना में आएंगे और प्रार्थना में बढ़ेंगे, मैं उन्हें शुद्ध, उन्हें साफ करूंगा, पवित्र करूंगा, और अंधेरे को उनके जीवन से दूर करूंगा। क्योंकि अंधेरा हमें कुछ नहीं करने देता, अंधेरा हमें परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करने देता। वो सारी आशीषें जो खुदा ने मसीह में हमारे लिए रखी हैं, अंधेरा हमें वो लेने नहीं देता। तो परमेश्वर ने कहा, ये प्रार्थना जब साफ करेगी, शुद्ध करेगी, इसका ये मतलब है। आपको बता, जब आप भजन संहिता 104 की 2 पढ़ते हो, तो वहां पे लिखा, परमेश्वर उज्याले को चादर के समान ओढ़े हुए। इसी तरह से देखो, परमेश्वर ने मुझे वचन भी दिया, बोला क्या दिया, और ये वचन आपकी उन्नति के लिए आज ही सुबह मुझे परमेश्वर ने दिया। आज ही सुबह जब मैं बाइबल खोली मैंने, तो वहां पे क्या लिखा है, भजन संहिता 104 की 2 में पढ़ दो। मुझे ना ढीले ना थोड़ा रहो, क्या लिखा है देखो, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता। जो उजियाले को लिखा चादर के समान ओढ़े रहता है, तो आपने उजियाला देख लिया ना, ये व्हाइट चादर, ये बीच में पानी, ये सारा कुछ खुदा ने वचन से मैच कर दिया उस दर्शन को। कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं? मैंने कहा, अगर ये देखो, डायरेक्ट स्वर्ग से परमेश्वर अपना दर्शन देकर मुझसे बात कर रहे हैं। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर से मैं पूछ रहा हूं, परमेश्वर ये क्या है? तो परमेश्वर ने कहा, इसका मतलब ये है। सेम जैसे पतरस छत पर प्रार्थना कर रहा था, तो उसने एक आकाश से क्या देखा, एक चादर में लपेटे हुए बहुत से जीव जंतु, उसे भी ऐसे दिखाई दिया। तो परमेश्वर ने उसे कहा, उठ और मार और खा। क्या कर? तो पतरस कहता, परमेश्वर मैंने कभी कोई अशुद्ध चीज खाई नहीं है। पहली बार दिखाया, दूसरी बार दिखाया, उसे 3 बार दिखाया, क्योंकि उसका दर्शन अलग से था। 3 बार दिखाना, परमेश्वर उससे जो बात उसकी जीवन से अपनी महिमा के लिए प्रकट करना चाहता, तो वो अलग थी। जो आज परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए प्रकट करना चाहता, वो अलग है। तो इसलिए आज ये विजन, ये दर्शन आपके लिए है, जो खुदा ने मुझे दिखाया। कितने लोग तैयार हैं?
मैंने कहा कितने लोग तैयार हैं? देखो कितनी ये पावरफुली बातें जो खुदा स्वर्ग से प्रकट कर रहा है, कितनों को समझ आ रही है? कितने लोग ऐसे हो गए हैं परमेश्वर मैं आज से मैं भी करूंगा, देख लो। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें शुद्ध साफ पवित्र करूंगा, इस चादर की समाई वो उजियाले हो जाएंगे, पानी का मतलब वो साफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो साफ हो जाएंगे पूरी तरह से, तैयार हो पवित्र होने के लिए, उजले होने के लिए, साफ होने के लिए। वचन क्या कहता है? वो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। ये चादर भी और पानी भी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया।